आर वी सेफ? ओके, टेल मी वन थिंग, क्या जस्टिस? जस्टिस यार, पेरेंट्स अपनी बेटी मांग रहे हैं, क्या करेंगे वो जस्टिस का? सो पाएंगे वो? जी पाएंगे वो? कमी पूरी हो जाएगी उनकी? लेट्स स्टॉप फ्रॉम द स्टार्टिंग. वॉट इज द पर्पज ऑफ दीज किंडर गार्डन स्कूल दैट डोंट टीच अ बेबी बॉय हाउ टू ट्रीट अ गर्ल? What is the purpose of these under-teen schools that don't teach a teen how to behave with a girl? What is the purpose of these undergraduate colleges that don't teach how to respect a girl? What is the aim? What is the motive of these education, books, teachers? जब एक लड़की सेफ नहीं हो पा रही है, आई मीन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आपकी एक मोमबत्ती किसी की सोच बदल सकती है, किसी को बदल सकती है? आई मीन हाउ कैन यू, जब किसी लड़के को 20-25 साल तक सिखाया ही नहीं गया है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, कैसे लड़कियों की इज्जत की जाती है, कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. 25 साल में जिसके माँ बाप नहीं सिखा पाए, जिसकी बहनें नहीं सिखा पाई, उसको नहीं सिखाया गया. अगर अकेली लड़की मिले तो उसे उसके घर छोड़ के आना है, ना कि अपने दोस्तों के पास लेके जाना है. जिसे उसकी बहन ने नहीं सिखाया है कि दूसरों की बहन के ऊपर गलत नज़र नहीं डालनी, आपको क्या लगता है आपकी मोमबत्ती सिखाएगी? चलो मान लिया कैंडल मार्च से कुछ सीख जाएंगे लोग, पर 12 साल पहले भी तो वही किया था. सीखना होता अब तो सीख जाते सब. नहीं सीखे ना, और अगर सीख गए होते तो आज दोबारा मोमबत्ती नहीं उठानी पड़ती. चाकू उठा लो, तुम्हारी रक्षा तुम्हें खुद करनी है. कोई सीनियर, जूनियर, भाई बहन, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई योर ओन. अंडरस्टैंड, मोमबत्ती का ज़माना नहीं है. एट लास्ट यू आर ऑल अलोन इन दैट सिचुएशन. अगर मान लिया कोई होगा भी तुम्हारे साथ तो वो अपनी जान बचा के भाग जाएगा. या तो यू कैन डू वन थिंग मोर, ताला लगाओ, 3-4 भी लगा सकते हो, अंदर बैठो. कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर बनने की. 3-4 ताले लगाओ और अंदर बैठ जाओ. चॉइस इज़ योर्स. अंडरस्टैंड, मोमबत्ती का ज़माना नहीं है.